नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपको एक सुंदर सा लहंगा चोली बताने जा रहे हैं, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अपने लहंगे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी लहंगा चोली बनाने के लिए कुछ सामान लिया है। तो सबसे पहले ये लटकन लिया है हमने, आप अपने मनपसंद की कोई भी लटकन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 मीटर अस्तर लिया है कॉटन का, और यहाँ पर हमने ये सिल्क का फैब्रिक लिया है, क्योंकि हमारा जो लहंगा है वो नेट का है। यहाँ पर ये हमारा नेट फैब्रिक है जो कि सबसे ऊपर रहेगा, और यहाँ पर ये हमारी कनकन है जिसकी वजह से हमारा जो लहंगा है वो फूलेगा। तो यहाँ पर हमने अपना इस सैटन का फैब्रिक और ये नेट का फैब्रिक दोनों 5-5 मीटर लिए हैं, क्योंकि इसमें हमारे लहंगा चोली जो है वो दोनों बनेंगे। तो यहाँ पर अपनी कटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है उसकी जो हाइट है वो 13 इंचेस रहेगी, और ये जो इसके शोल्डर्स हैं वो 2 इंच के रहेंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 34 इंचेस रहेगी। तो ये जो है वो हमारे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। अब इसके बाद जो हमारा लहंगा है इसकी जो हाइट है वो 40 इंचेस रहेगी। तो हम 40 इंचेस का जो लहंगा है वो रेडी करेंगे, और इसकी जो कमर है वो 33 इंचेस रहेगी। तो ये हमारे लहंगे की ड्राफ्टिंग हो गई है। तो अब जो हमारे अस्तर पे ड्राफ्टिंग है हम वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सैटन का फैब्रिक है, इसमें से हम जो चोली पार्ट का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी जो ये सैटन का फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी चेस्ट है हमें से उसके अकॉर्डिंग ये जो कपड़ा है वो कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 34 इंचेस है, तो उसका जो चौथा भाग है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ये कपड़ा है उसे काट लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी चोली के लिए जो कपड़ा है वो काट के अलग कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम अपनी लहंगे की कटिंग करेंगे। तो जो अंदर का पार्ट है वो हम अम्ब्रेला कट करेंगे, तो जिसके लिए जो हमारा ये जो कपड़ा है उसे हम तिकोना करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। तो जो इसकी लंबाई है वो 40 इंच है, हमने इसको 40 इंच पर फोल्ड किया है, क्योंकि ये अंदर रहेगा तो ये 38 इंचेस का रेडी हो जाएगा, और जो बाहर का हमारा लहंगा होगा वो पूरा 40 इंचेस का होगा। अब इसकी यहां से एक तरफ ऐसे पकड़ते हुए हम इसे तिकोना फोल्ड कर लेंगे। तो यहां से जो हमारा कपड़ा है हमने इसे तिकोना फोल्ड कर लिया है। तो यहां पर जो इसका ऊपर वाला भाग है इस पे हमारी जो ये कमर की मेजरमेंट होगी हम वो लेंगे। तो हमारी कमर यहां पर 33 इंचेस थी, तो 33 का जो चौथा भाग है वो 8.5 इंचेस के लगभग आएगा, और उसमें हम जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर लेंगे, जो कि सिलाई के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हम 9 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ हमने 9 इंच की मार्किंग की थी, तो उसके नीचे का जो पार्ट है ये वो हमारे लहंगे का घेर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा लहंगा है वो 40 इंच का रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे 40-40 इंच पर एक गोलाई का निशान देते हुए हम यहाँ नीचे पूरा एक गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो ये जो इसका एज पॉइंट है, यहां से जो हमारा 40 इंच पर हमने निशान लगाया था वो यहाँ 52 इंच आ रहा है। तो यहां से अपने एज पॉइंट पर इंची टेप एकदम रखते हुए नीचे से हम 52 इंच पर गोलाई का निशान देंगे। तो यहां पर अपने चौक को ऐसे इंची टेप पे 52 इंच पर पकड़ते हुए हम यहाँ नीचे गोलाई पे निशान लगा लेंगे।
तो ये जो नीचे हमने निशान लगाया है अब हम इसे काट लेंगे। तो हमने ये जो नीचे की मार्किंग थी इस पे हमने कटिंग कर ली है। तो ये जो हमने कटिंग की है यहाँ पर जो ये कपड़ा बचा हुआ है जो ये नीचे तक नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर जो हमने नीचे कटिंग की है हम इसी को ही ऐसे उल्टे तरफ से रखते हुए यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। और ऐसे ही जो इसके नीचे का जितना कपड़ा हमें चाहिए हम उसे कट कर लेंगे। और ऐसे ही जितना कपड़ा हमें चाहिए ऐसे जोड़ते हुए और यहां से गोलाई से हम कट कर लेंगे। यहां नीचे की कटिंग होने के बाद ये जो ऊपर की कमर की कटिंग है हम वो करेंगे। तो हमने यहां पर दोनों कटिंग कर ली है। अभी जो नीचे का कपड़ा है हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था वो हमने ऐसे गोलाई में काट लिया है। अब इसे हम ऐसे बीच से सिलाई दे देंगे। तो हमने अपना जो ये सैटन का फैब्रिक था वो कट कर लिया है। अब जो ये हमारा नेट का फैब्रिक है अब हम इसे कट करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम खोलेंगे ऐसे। तो ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है हमने इसको लंबी तरफ से फोर फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे लंबे तरफ से फोर फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारे सैटिन का फैब्रिक था उसे हमने हाफ अम्ब्रेला में कट किया था। ये जो हमारा नेट फैब्रिक है हम इसे फुल अम्ब्रेला में कट करेंगे। तो इसलिए हमने इसे ऐसे फोर फोल्ड किया है। तो जो इसकी कमर की मार्किंग है वो हम यहाँ इसके बंद भाग से करेंगे। जो ये इसका फोल्डेड एरिया है यहां से करेंगे। तो जैसे हमने अपना सैटिन का जो अस्तर था वो काटा था उसकी मार्किंग जैसे कि हमने 9 इंचेस ली थी, तो यहाँ पर ये जो नेट का फैब्रिक है हम इसमें भी 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो यहां से ऐसे हम इस पे ये जो इसकी लेंथ है वो हम 6 इंचेस लेंगे। और यहां से भी इसकी जो लेंथ है वो 6 इंचेस लेंगे। और ऐसे यहां पर एक कर्व बनाएंगे। ये जो हमारी कमर का कर्व है वो हम बनाएंगे यहां पर। और जो इसकी जो ये लेंथ आएगी वो हमारी 9.5 इंचेस आ जाएगी। तो जैसे कि जो हमारा लहंगा है वो 40 इंच का रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि पीको और सिलाई में जाएगा। तो यहां से हम इसका फुल घेर रख रहे हैं। जो इसकी नीचे की लेंथ है वो हम पूरी ले रहे हैं। तो यहां पर जो इसकी लंबाई है वो 42 इंचेस आ रही है। तो यहां पर हम 42 इंचेस का अब यहां पर घेर बनाएंगे। तो जैसे कि ये जो बंद वाला भाग था हमने यहां पर 42 इंचेस लगाया था, अब यहां पर ये जो इसका मिड पॉइंट है हम यहां पर भी 42 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है ये जो हमारी इंच टेप है इसका ये जो कमर वाला भाग है हमें यहीं से ही 42 इंचेस लेना है। तो ये जो हमारी कमर है अपने कमर से नीचे हमने 42 इंचेस पर निशान लगाया था और जहां तक हमारा 42 इंचेस आ रहा है हमने वहां तक निशान लगाया है। और उसके बाद हमने इसे अपनी कमर से यहां जोड़ लिया है। तो अब इसी ये जो हमने यहां पर मार्किंग की है अब हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। Thank you.
तो यहाँ पर जो हमारा नीचे का लहंगा का नेट है वो हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमने अपने नेट की कटिंग की थी तो वो खुल के कुछ ऐसे आ रही है। तो बनने के बाद जो हमारा लहंगा है वो बहुत ज्यादा घेरेदार होगा। और ये जो हमारा नेट पार्ट है वो दो पीसेस में रखा है अभी, इसका मतलब ये जो खुलने के बाद है वो बहुत ज्यादा घेरेदार हो जाएगा। तो अपना नेट पार्ट काटने के बाद ये जो हमारा कॉटन का 2 मीटर कपड़ा है इसका अंदर का हम 4 कली का पेटीकोट बनाएंगे। तो ये जो हमारा अस्तर था हमने इसे लंबे तरफ से यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा अंदर का अस्तर है हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहां से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और अपने इस वाले पार्ट में भी हम यहाँ 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ जो हमने ऊपर और नीचे 6-6 इंच पर निशान लगाए थे हम दोनों को यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे और ऐसे दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों पीसेस थे हमने दोनों को कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमने ये काटा था अपना अस्तर ये इसका मिडल वाला पार्ट है जो बीच में रहेगा, और ये जो हमने इसके पार्ट्स काटे थे वो इसके साइड के पार्ट हैं जो कि इसके ऐसे साइड में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसके पार्ट्स ऐसे रखे हैं हम इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा सैटिन का जो वो फैब्रिक है इसमें से हमने अपना ये जो चोली पार्ट है वो कट कर लिया है, और ये जो हमारे लहंगे का अंदर का अस्तर रहेगा हमने वो भी इसमें कट कर लिया है। अब ये जो इसका बचा वाला पार्ट है हम इसमें से अपनी बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा ये कपड़ा है हम इसको काट कर अच्छे से इसे छांट लेंगे जो भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई है। तो जो भी इसका ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो हम काट लेंगे और इसे ऐसे एक सीधा शेप दे देंगे और फिर इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारी ऊपर की बेल्ट है वो 2.5 इंच की रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो 33 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम 34, और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम अपनी चेन अटैच करेंगे तो यहाँ पर टोटल हम 36 इंच ले रहे हैं, और 36 इंच की जो हमारी बेल्ट है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी हम उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है वो कट कर रेडी हो गई है। तो ये हमारी कैनकेन है, यहाँ पर हम इसे ऐसे बीच से डबल फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो हमने इसे ऐसे बीच से कट कर लिया है। तो ये जो इसके दो एंड पार्ट्स हैं, ये जो खुले वाले भाग हैं, हम इसे ऐसे बीच से सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा जितना भी कटिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, हमने अपनी कैनकेन काट ली है। उसके बाद ये जो हमारा नेट वाला पार्ट था हमने वो काट लिया है, और ये जो हमारा सैटन का अस्तर है हमने वो भी काट लिया है। जो हमारी बेल्ट थी हमने वो भी कट कर ली है, और ये जो इसके अंदर हमारा कॉटन का अस्तर रहेगा हमने वो भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो कटिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ये जो जितने भी पार्ट्स हैं इन्हें स्टिच करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर अपने अस्तर के जो पार्ट्स काटे थे, जो हमारे अंदर का अस्तर रहेगा, सबसे पहले हम उसे ऐसे अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमने इसका एक पार्ट ऐसे ज्वाइन कर लिया है।
अभी जो इसके दूसरा वाला पार्ट है हम इसको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो ऐसे हमने ये जो हमारा अंदर का अस्तर रहेगा हमने उसका एक पार्ट तैयार कर लिया है। अब ऐसे ही हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये अपने सारे पार्ट्स जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर नीचे से सिलाई भी दे दी है, ऐसे हमने नीचे से हेमिंग कर लिया है और ऐसे ही हमने अपना जो दूसरा पार्ट है वो रेडी कर लिया है। तो अब हमें इन दोनों पार्ट्स को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जो हमने पार्ट रेडी किया है इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर कैनकैन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर नीचे हम 17 इंच पे अपने जो कैनकैन है वो अटैच करेंगे। तो हमें नीचे से 17 इंच लेना है ना कि ऊपर से। तो हम यहाँ पर नीचे से 17 इंच पर ऐसे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और यहीं पर ही हमें अपनी जो ये कैनकैन है वो अटैच कर लेनी है। तो ऐसे ही जो हमारा दूसरा पार्ट है हम उस पर भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कैनकैन है वो यहाँ से बीच से जैसे कि अलग है तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसे बीच से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद उसे अस्तर पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अपनी कैनकैन को बीच से स्टिच करने के बाद ये जो हमने 17 इंच पर मार्किंग की थी यहाँ पर हम अपने ऐसे कैनकैन को प्लेस करके इस पे ऐसे अटैच कर लेंगे और हमें बीच बीच में प्लेट्स भी बनानी है। तो
टी जो हमने ऊपर की, ये जो कमर वाला भाग है हमने दोनों को जोड़ लिया है, दोनों स्तर को। तो ये जो हमारा नेट का पार्ट है, जो दो हमने नेट के पार्ट्स अलग अलग काटे थे, हम दोनों को एक साथ ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये जो नीचे की लंबाई है उस तरफ हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो यहां से हम कमर से लेके नीचे तक पूरा जो इसकी लंबाई है वहां से दोनों जो नेट के पार्ट्स हैं दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे जो दोनों पार्ट्स हैं तो दोनों को स्टिच कर लिया है। तो ये जो हमारा अंदर का स्तर था और उसके ऊपर जो हमने ये अपने सैटिन का स्तर अटैच किया था, इन्हीं दोनों के ऊपर ये जो हमने अभी अभी अपना जो नेट के पार्ट्स हैं जो स्टिच किए हैं, इसको भी इन्हीं के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो हम एक साथ यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। ये जो हमारा नीचे कॉटन का पार्ट है और ये जो हमारा ऊपर ये सैटिन का स्तर है और जो हमारा नेट का पार्ट है, हम तीनों को यहाँ पर एक साथ स्टिच कर लेंगे। इसकी कमर की बेल्ट है, हमें उसे रेडी करनी है। तो यहाँ पर जो हमने अपनी 2.5 इंच की बेल्ट काटकर तैयार की थी वो हम यहाँ पर अपनी बेल्ट बनाई थी जो हमने तैयार की थी, वो हम यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर इसे जॉइंट करके ऐसे यहाँ पर सिलाई देंगे।
अब जैसे कि हमने नेट पे और सैटिन पे किया था, उसी तरह से हम अपने अस्तर को भी ऐसे जॉइंट करके सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी तीनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। पहली जो हमारी नेट थी, और दूसरा हमारा जो सैटन था, और ये तीसरा हमारा अस्तर है। याद रखें, तीनों को हमने अलग ही अलग सिला है। तो देखिए, हमारा लहंगा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए, आइए अब अपना चोली पार्ट रेडी करते हैं। तो हमारा लहंगा रेडी हो चुका है। अब हम लोग अपने चोले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें कप्स चाहिए, और जो हमारा फैब्रिक है, और जो हमारा सैटन का कपड़ा है, और ये हमारे जो दो लटकन है वो डोरी पे लगेंगी। तो चलिए इस पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सैटन वाले कपड़े पे जो है ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। इसको पहले हम लोग खोल लेंगे। अब इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे चेस्ट 34 है, तो उसी के हिसाब से हमने अपना कपड़ा फोर फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हम लंबाई बनके हमारा रेडी 13 इंचेस रहेगा। तो वहां पर हमने मार्क कर लिया है, और हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लिए हैं फोल्ड के लिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। हम यहाँ पर अपना जो गला है वो थोड़ा बड़ा ही रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना शोल्डर जो है वो थोड़ा कम ही रखेंगे, 5 इंचेस। यहाँ पर हमारी लंबाई 7 इंच होगी। यहाँ पर हमने सीधा लाइन खींच दी है। तो ये हमने जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर हम लोग अपना आर्म होल है वो 2 इंचेस देंगे, और ये हमने अपना कर्व बना लिया है। यहाँ पर हम अपने नेक पे 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। और इसकी लंबाई हम लोग 7.5 रखेंगे। और इसको ज्वाइन कर लेंगे। हम अपने नेक पे हल्की सी गोलाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो कुछ और डिजाइन भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ से हम लोग 3.5 इंच पे टक्स का पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से हम लोग अपने फिटिंग एरिया की मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे। तो ये हमने सीधा कर लिया इसे, और 2 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं, सिलाई और फोल्ड में चला जाएगा वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो भी मार्किंग थी वो सब हो चुकी है। हम कटिंग करेंगे।
तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को काट के अलग कर देंगे। अब जो हमारा नेट वाला कपड़ा है, हमने जो सैटन पे जो मार्किंग करके जो भी काटा था फ्रंट और बैक, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने नेट काट लिया है, अपना फ्रंट और बैक दोनों हमने काट लिया है। अपने सैटन के कपड़े को रखते हुए हमने अपना नेट वाला पार्ट फ्रंट और बैक दोनों ही काट लिए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम इस पे कप लगाने वाले हैं, तो अगर हम इस पे ऐसे ही लगाएंगे तो ये बहुत विजिबल होगा। तो उसको छुपाने के लिए हम लोग थोड़ा सा अस्तर का पार्ट ले लेंगे। हमें सिर्फ इस अस्तर का फ्रंट पार्ट ही चाहिए। तो हमने जो अपना सैटन का कपड़ा काटा था अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, उसी को रख के हम लोग इस पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अपना अस्तर काट लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने सैटन का कपड़ा रखा है, उसके ऊपर हमने अस्तर रखा है अपना, और उसके ऊपर हमने नेट रखा है, क्योंकि जब हम लोग सिल के पलटेंगे इसको, तो फिर जो हमारा नेट वाला पार्ट है वो बिल्कुल बीच में, वो बिल्कुल सामने की तरफ आएगा और कप्स भी दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए अपने गला काटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेफ्टी पिन अटैच कर लेंगे, ताकि हमारे जो तीनों कपड़े हैं सिलते टाइम बिल्कुल एक साथ ही रहें, इधर उधर ना जाएं। इसी तरह से हम लोग चारों ओर से पिन लगा लेंगे। तो जो हमारा कपड़ा है, हमने चारों तरफ से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। तो आप जो अभी डिजाइन देख रहे हैं, हम इसके ऊपर सिलाई देंगे। तो हमने अपना कपड़ा चारों तरफ से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। और ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, हम इस पे सिलाई देंगे। तो चलिए हम इस पे सिलाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपने जो नेक डिजाइन था हमारा, उस पर सिलाई दे दी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम उसे काट के अलग कर लेंगे, और जो हमारा कपड़ा है हम उसे पलट लेंगे। हमने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे। तो जो भी वेस्ट कपड़ा था वो हमने कट करके निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर पूरे गले में पाइपिंग लगाएंगे, ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाए। ऐसे पूरी तरह से गले में ऐसे लगा देंगे हम लोग। तो चलिए पाइपिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें अपने गले पे पाइपिंग लगा ली, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हम इस पे तुरपाई कर देंगे तो ये और भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कप्स लगाना, जो कि हम अपने अस्तर पे लगाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा काटा था। यहां से बीच से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल ही इक्वल रखना है दोनों पार्ट हमें। तो अब हमें अपने कप्स लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो फुल ब्लाउज हमारा 13 इंचेस रेडी होगा। हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि वो सिलाई में और फोल्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये लाइन खींच दी है। तो टक्स पॉइंट लगाने के लिए हमें ऊपर से 11 इंचेस पे निशान लगाना है, और यहां से 3.5 इंचेस रखने हैं। अब यहां पर हम कप रखेंगे, जहां पर ये पॉइंट है वहीं से जो हमारा कप का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, उसे एकदम चिपका के यहां पर साइड में हम सिलाई दे देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपने उस वाले पार्ट में भी कर लेंगे।
तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। तो हमने अब ये टक्स पॉइंट पे कप्स अटैच कर दिए हैं। अब हम फाइनली इसको रख के देखेंगे कि बिल्कुल सेट बैठ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमारे कप्स बिल्कुल सही से बैठे हैं और हमारा गला भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एक बार हम लोग बीच से फोल्ड करके कंफर्मेशन ले लेंगे कि हमारा सही बैठा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमने अपने अस्तर पे जो टक्स पॉइंट्स लगाए थे अब बिल्कुल उसी पे हम लोग अपने सैटन कपड़े पे और अपने नेट वाले कपड़े पे टक्स पॉइंट लगा लेंगे बिल्कुल उसी मेजरमेंट के। तो हमने यहाँ पर पिंस अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम साइड से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ और ऐसे अपने पिंस खोलकर हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। हमने यहाँ पर अपना सबसे पहले अपने सैटन का फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हमारा नेट पार्ट है। अब इसके ऊपर जो हमारे पिंस हैं वो अटैच कर लेंगे ताकि स्टिच करते टाइम जो हमारा कपड़ा है वो सरके ना। तो हम यहाँ से पिंस अटैच कर लेंगे चारों तरफ अपने बैक पार्ट में। तो हमने यहाँ पर चारों तरफ पिंस अटैच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर कच्ची सिलाई दे देंगे अपने पूरे बैक पार्ट में। तो अपने बैक पार्ट का पीछे का गला बनाने के लिए हमने यहाँ पर कैनवास पेपर लिया है। अब इस पे हम अपने जो पीछे की बैक नेक की मार्किंग है हम वो करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी जो लेंथ है वो हम 11 इंच रख रहे हैं इसकी लंबाई। और यहाँ नीचे से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर के 3 इंच से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम एक मटके गले का शेप देंगे। सबसे पहले 3.5 इंच पर यहाँ पर जो डोरी का पॉइंट होता है हम उस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पे एक छोटा सा कर्व देंगे। उसके नीचे 7.5 इंच पर जो हमारा मटका गला है वो रहेगा। तो यहां से हम मटके गले का जो कर्व है वो दे देंगे। तो यहां पर हमने अपने बैक नेक का शेप रेडी कर लिया है। हमने यहां पर मटके गले का शेप रेडी कर लिया है। अब यहां पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे अपने पूरे गले के चारों तरफ। हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और फिर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी जो बुकरम है उसपे अपना जो मटका गला है वो कट कर लिया है। अब जो हमारा अस्तर है हम यहाँ पर थोड़ा अस्तर लेंगे, उसके ऊपर जो हमने अभी कैनवास पेपर पे जो अपना नेक डिजाइन काटा है वो रख लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने कैनवास पेपर के ऊपर ऐसे प्रेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये यह हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर जो हमने अपने कैनवास पेपर पे डिजाइन बनाया है वो हम यहाँ से ऐसे
स्टिच कर लेंगे पूरा। तो ऐसे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और अपने गले को रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना जो ये डिजाइन रेडी किया था वो हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई से इस पे स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे काट के अलग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कट्स दे देंगे। तो कट्स देने के बाद ये जो हमारा कैनवस पेपर है इसको हम अंदर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। ऐसा अपना पूरा गला सीधा करके हम उस पर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना कैनवस पेपर सीधा करके इस पे प्रेस कर लिया है। तो ऐसे ही हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हमारे ब्लाउज का उसको ऐसे हम रखते हुए दोनों के शोल्डर्स अटैच कर लेंगे और ऐसे स्टिच कर लेंगे दोनों के शोल्डर्स। तो हमने यहाँ पर इसके शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है जो हमने यहाँ पर पीछे मटका गला रेडी कर लिया है इसको हम यहाँ बीच से बैक हुक रखने वाले हैं पीछे से। तो हम यहाँ बीच से इसको कट कर देंगे। तो ऐसे इसे इसका ये जो मिड पॉइंट है इसे बीच से ऐसे फोल्ड करते हुए हम ऐसे रख लेंगे और ऐसे पीछे बैक हुक के लिए हम यहां पर कट कर देंगे। तो ऐसे हमने कर लिया है कट। अब इसके बाद जो ये बैक हुक की पट्टियां रहती हैं वो हम लगा के ये जो अपना पीछे का पार्ट है वो रेडी कर लेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद जैसे कि हमने अपने गले में पाइपिंग अटैच की थी वैसे ही हम यहाँ पर अपने शोल्डर्स में भी ऐसे पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ऊपर का ब्लाउज यानी कि चोली पार्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लहंगा और चोली बिल्कुल रेडी हो गया है बनकर। और इसके जो पीछे का पार्ट है जो हमने जिसपे मटका गला बनाया था वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।